का गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स एक्सेट्रा की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बिहार डीसीसी एडमिट कार्ड के बारे में। जिन सभी कैंडिडेट्स ने इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करा था, उन सभी कैंडिडेट्स के रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज होने जा रहा है। सभी अप्लाइड कैंडिडेट इसके एडमिट कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके रिटर्न एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से जुड़ी पूरी जानकारी को चेक करने के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gathrijobs.com पे। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जल्दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार डीसीसी के रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज करने जा रहा है। जिन सभी कैंडिडेट्स ने इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करा था, वो सभी कैंडिडेट हमारी वेबसाइट के जरिए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाया है। आप इस लिंक पे जाके अपने रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 27 अप्रैल है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 18 मई है। इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 20 मई है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 21 मई है। इसकी ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 22 मई से 24 मई तक है। इसका एडमिट कार्ड जो 4 जून को रिलीज हो जाएगा। इसके जो पीपीई का जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को होगा और इसका पीएमडी का 17 जून को होगा। और हमने अपनी वेबसाइट के जरिए आपको कुछ डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाए हैं। आप इस लिंक पर जाके अपने रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।